हेलो गाइस वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉक्स ऑफ ऋषिका तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी आई होप कि आप मतलब ठंडे में इसमें अपने ख्याल रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी यू you नो know, इस बीच बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइक जो सबसे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन अगर अभी चल रहे हैं तो वो ये है कि आई का रिजल्ट कब आएगा है ना दूसरा क्वेश्चन ये है सबसे पहले तो ये कि आईडीबीआई की रिज़ल्ट कब आएगी ये तो भाई बहुत ही भयानक लेवल का पूछा जा रहा है इतने सारे इसके बारे में मतलब कहानियाँ इतनी सारी बातें आ रही हैं आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी पेपर के बारे में आ रहा होगा सेकेंड चल रहा है आई बी के बारे में कि आखिर आई पी का मेंस रिजल्ट कब देगा ये भी ऑलमोस्ट मतलब आई थिंक नवंबर फाइव को हुआ था तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि अगर फ़ाइव फरवरी आती है तो तीन महीने हो जाएंगे इस पेपर के means का मीन्स का रिज़ल्ट आने में मतलब क्या हो रहा है यार मतलब ये क्या बैंक में नज़र लग गई क्या सबसे फास्ट रिजल्ट देती है अगर कोई जॉब चाहिए तो बैंक की प्रिपरेशन करो आप छः महीने में जॉब में रहोगे आप अगर आपको रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मतलब जल्द से जल्द कोई जॉब लेनी है गवर्नमेंट तो बैंक की प्रिपरेशन कीजिए ऐसी ऐसी बातें लोगों की आती थी तो क्या मतलब मैं क्या बोलूँ क्या हो गया है मतलब क्यों इतना लेट रिज़ल्ट हो रहा है ये तो खैर अब अब तो भाई मतलब बहुत सच में बहुत लेट हो रहा है इतना लेट तो नहीं होना चाहिए था चाहे वो आई बैंक हो या आई पी हो मेन्स हो और जितना लेट होता है कहानियाँ उतनी बनती है ठीक है जैसे कि आई में कहानियाँ ये बन रही हैं कि आ, कुछ लोगों ने तो खैर हद ही कर दी कह दिया उन्होंने कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है मतलब कैंसिल हो गया एग्ज़ाम तो फिर से ये लोग एग्ज़ाम लेंगे आपके पैसे वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में मतलब क्या मतलब क्या है ये मतलब आपको आई डी ने फ़ोन किया था क्या कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो चलो तुम्हारे पैसे वापस किए जा रहे हैं क्यों मतलब ऐसे क्यों आप लोग ऐसे यू नो अपने मन की कहानियाँ या फिर अपनी यो मतलब जो कहते हैं ना फालतू के बातों में आप मतलब आपके मन की कुछ भी बात आती है ना ऐसे माइंड में बस आप लिख देते हो बता देते हो और जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे सीधे वो भी दिमाग में लगा लेते हैं कि सच में क्या मतलब आ, आ, आई डी बी के एग्ज़ाम एक कैंसिल हो गई है जैसे कि मुझे एक ने कमेंट किया कि मैम मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था आई डी एग्जीक्यूटिव तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी तो फिर मतलब मैं फिर से प्रप्रेशन करूँ क्यों आते हैं आप उनकी बातों में मैं तो यही आपसे पूछूंगी आप उनकी बातों में आते ही क्यों हैं क्यों आपको लगता है कि उनका बात सच है ठीक है कल आएगा परसों आएगा जनवरी लास्ट में आएगा फ़रवरी आएगा ठीक है तो आएगा ही एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हो जाएगा क्या ये मतलब क्या ये ऑफलाइन पेपर है कि चलो भाई कैंसिल हो रहा है तो इसको भी लेट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर देंगे ये लोग आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कैंसिल होता है हमें प्रॉब्लम होती है हमारा पेपर अच्छा गया तो हमें आ, यू नो दिक्कत होती उन्हें दिक्कत नहीं होती क्या इतने सारे स्टूडेंट को वो यू नो टी सी एस जोन में या फिर जहाँ कहीं कहीं मतलब उनके भी बहुत पैसे खर्च होते हैं एग्ज़ाम को दिलवाने में वो बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो तो ये सब फालतू की बातें मत सोचिए ऐसा कुछ नहीं है और आई वी को लेकर ये चीज़ आ रहा था कि मैं मैं एक्चुअली एन असिस्टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी एक्चुअली मैं थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेती हूँ फिर उस पर आती हूँ तो आई पी एस पी ओ मीस के बारे में ये आ रहा था कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि आर आर बी का एग्ज़ाम और आई वी पी एस पी ओ का एग्ज़ाम आर आर बी का जो इंटरव्यू हुआ था शायद और आई पी एस पी ओ का जो मीन्स हुआ था वो दोनों आस पास था डेट जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था कि ट्वीट किया था डैट की मतलब जो होता है ना ट्वीट करते हैं जो तो उस वजह से केस चल रहा है ठीक है इस वजह से लेट हो रहा है कुछ नहीं ये बात भी बोली थी तो इसके बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको पता है कि इस चैनल पे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो मैं नहीं देती हूँ ये नहीं कि बस हाँ मैं हाँ मिला दिया जाहिर सी बात है तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है मे बी हो सकती है मे बी नहीं भी है क्योंकि लोग अपने मजे लेने के लिए कहानियाँ कुछ भी बोल देते हैं और एस्पिरेंट के इमोशन के साथ खेल जाते हैं ठीक है तो खैर बात चाहे जो भी हुआ बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें सिखाया गया है इस वेट करने के पीरियड में कि किसी भी बैंक को आप छोटा बड़ा ना समझें है ना ठीक है मतलब होता है ना कि जिस बैंक को आ, लोग इतना छोड़ रहे थे इतनी निगेटिव बात आ रही थी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आ, जैम तो खैर अभी तक हुआ नहीं है वो तो बात अलग है बट एग्जीक्यूटिव को लेके कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं उससे ज़्यादा लोग तो रेजिगना रेज, मतलब रेजिग्नेशन दे देते हैं कितनी निगेटिविटी आ रही थी बट अभी आप देख लीजिए अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर आई वी पी एस पी ओ मीनस को अगर छोड़ दिया जाए तो किया जा रहा है जो सबसे टॉप लेवल पर है वो आई डी बी आई का ही पेपर है है ना और उसके बारे में इतनी निगेटिविटी आती है ये वो खैर ये बात तो सही है लेट तो हो रहा है बट फिर वही बात होगी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हमारे हाथ में बस एक चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी वो है आलतू फालतू बातों से दूर रहना आलतू फालतू बात जैसे मैंने आपको बोला ना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है ये सब तो मतलब डिजर्व करते कि आप इन्हें सुनाइए बड़े ही पोलाइट वे में बड़े ही काइंड वे में सुनाइए कि ठीक है भाई तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा एक हज़ार ठीक है उस दिन हमारा भी अगर आ गया तो फिर हम मान लेंगे अभी फिलहाल के लिए तो कुछ और काम कर ले प्लीज़ है ना क्योंकि इन्हें आप पोलाइट वे में ही बोलिए अगर आप कुछ बोल देंगे ना कि मतलब कुछ यू नो गुस्से में अगर बोलेंगे तो आपको वो डबल गुस्से में कुछ और बोलेंगे मतलब क्योंकि इनका काम है प्रोवोक करना ये चाहते हैं कि हम पे प्रोवोक हो हम अटेंशन लेने के लिए लोग ऐसे बोल देते हैं इसलिए इन लोगों की बातों पे नहीं बसवास करना है ठीक है तो आप बस वेट कीजिए रिज़ल्ट का हाँ इस बीच एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हो रही है जो मैं अब टॉपिक पे आपको बता रही हूँ वो ये है कि इंश्योरेंस का जो पेपर है वो बैक टू बैक होने वाला है ठीक है इंश्योरेंस एग्ज़ाम नहीं मतलब होता ना कि इंश्योरेंस जैसे जो पेपर काफ़ी दिनों बाद ऐसे तो बहुत सारे पेपर है जो आई थिंक सालों बाद आए हैं ठीक है ठीके? जैसे यू हो गया एन ने दिया अपना जी ने दिया अभी एन ने अपना नोटिफिकेशन एक्चुअली इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन तो पहले दे दिया था अभी इन्होंने फुल वाला दिया है मैं ये नहीं कह रही कि सीट्स बहुत बहुत आ रहे हैं बहुत यहाँ बोल रहे हैं सीट्स तो बड़ा बहुत ही आ रहे हैं यार तुम तो बस ऐसे ही बोल रही हो तो सीट्स के लिए मैं नहीं बोल रही सीट्स तो ऑब्वियस ही बात है इंश्योरेंस का जो भी पेपर होता है उसमें सीट्स लिमिटेड आते हैं आप ऐसा नहीं आई की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एन आई एस में हज़ार पाँच हज़ार वैकेंसी आ, आ गई ऐसा नहीं होता है आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए चाहे वो एल आई सी डबल ए हो इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें सीट्स लिमिटेड ही आते हैं अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको फिलअप करते हैं या नहीं बट आई थिंक ये एन आई एस सी एल एक वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ और हाँ उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपको पता ना मैं यहाँ पे डिजिटली लिखती हूँ तो मे बी होता ना कि कुछ भी लिखा सपोज कीजिए कलर्क लिखा मैं उन्हीं के बारे में बता देती हूँ डायरेक्टली कलर्क लिखा तो शायद मैंने ऐसे स्पीड में लिख दिया कलर्क ठीक है आप मतलब ऐसा थोड़ी है कि मुझे स्पेलिंग कलर का नहीं आता है वो मुझे ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि कलर का स्पेलिंग सी एल ई आर के होता है बिल्कुल यही होता है और मैंने वही लिखा है लेकिन स्पीड जब बनती है ना जब स्पीड में आप लिखते हैं क्योंकि जाहिर सी बातें बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है जिस वीडियो में तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है तो उसमें अगर ऐसे हो गया या हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो गई तो ये मत सोचिए मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है रियल में वेल एंड गुड खूबसूरत है हैंड राइटिंग मेरी तो इसको आप देख के जज ना करें कृपया करके तो मैं आप, आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देती हूँ फुल नोटिफिकेशन तब तक प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ एक सेकेंड हाँ ये रहा एक सेकेंड है इसको हाँ आप देख सकते हैं ऊपर में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिन्होंने थ्री हंड्रेड असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली आप एक बार देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं ये स्टेट वाइज है एक्चुअली स्टेट वाइज में लाइक like, आंध्र प्रदेश में सिक्स है असम में एट चंडीगढ़ में फ़ोर मैं अपने स्टेट में देखती हूँ आई बिहार है भी या नहीं ओ माय गॉड बिहार तो इसमें शायद है भी नहीं ओह oh, ये क्या है बिहार में तो सीट्स ही नहीं दिए इन्होंने ये तो गलत बात है खैर जो भी आप देख सकते एक बार और अपने मन चाहे स्टेट में चूज करके आप फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ये लैंग्वेज की आप सीरीज़ ज़रूर देख लें एक बार सपोज अगर आप मध्य प्रदेश से भर रहे हैं फिलअप कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आप हिंदी है या नहीं जो भी आपकी लैंग्वेज है जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है एक बार ज़रूर चेक कर लें ठीक है तो ये सीट्स तो ऑब्वियस ही बात है आप अपने स्टेट वाइज चूज़ कीजिएगा ज़्यादा जा, बेटर होगा उसके बाद सेकेंड जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता है वो ये कि ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक फरवरी से स्टार्ट होगा पंद्रह दिन के लिए उन्होंने आपको मोहलत दी है आप इस पंद्रह दिन में फॉर्म को फिलअप कर दीजिए उसके बाद टायर वन का जो है वो बहुत ही जल्द पेपर होगा जो कि दो मार्च है ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास मैक्स टू तो मैक्स एक महीना है आपको प्रिपरेशन करने की और मेन्स एग्जाम है वो उन्होंने अभी मैंशन नहीं किया वो आपको बाद में बताएंगे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्री का कॉल लेटर कब आएगा ये सब भी शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर लिखा है उन्होंने कि प्री की कॉल लेटर जस्ट बिफोर सात दिन प्रिलिम्स के एग्जाम की आएंगी ठीक है एंड एज वेल एज मेन्स एग्जाम टू उसके बाद देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ये तो सबको पता है कि बैंक के फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है नेशनलिटी एंड ये जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो मेंशन करती हूँ एंड यस ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ कीजिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको तीन साल की रिलैक्सेशन मिलेगी एक्चुअल एज मिनिमम ट्वेंटी है और मैक्सिमम थर्टी बट इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरी देन आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी एजुकेशन आपका वही होगा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ठीक है आप क्या मतलब आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा एंड आई थिंक इसमें कोई परसेंटेज मेंशन इन्होंने नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे पेपर में तो परसेंटेज था कि सिक्सटी परसेंट से आपका वह होना चाहिए इन्होंने तो ऐसा मेंशन इसमें नहीं किया है जस्ट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ये बोल रहे हैं ठीक है शुड हैव पासड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ठीक है उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या आती है इसमें मैं एक बार देख लेती हूँ और कैटेगरी वाले तो थोड़ा आप अपना ध्यान भी दे दीजिएगा क्योंकि उनको सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते हैं ठीक है इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा प्रिलिम्स एंड मीन्स बस उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना है क्योंकि असिस्टेंट का जॉब है ये तो प्रीलिम्स में जैसे कि हमारा नॉर्मल तरीके से एग्जाम आता है वैसे ही होगा थर्टी इंग्लिश रीजनिंग थर्टी फाइव एंड न्यूमेरिकल थर्टी फाइव सिक्सटी मिनट्स के होंगे जो प्री वाले आते हैं एंड ये होगा मीन्स जो कि ढाई मार्क्स के होंगे टू मार्क्स में जिसमें इंग्लिश रीजनिंग न्यूमरिकल एंड कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगी आपकी मतलब कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है चालीस क्वेश्चन पचास मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ऑफकोर्स पेनाल्टी होगी आपकी ज़ीरो पॉइंट टू फाइव जो कि एग्जाम में होती है ठीक है वही होगी जाहिर सी बात है उसके बाद आप देख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगी जैसा मैंने आपको अभी बताया था ना कि आप अपना लैंग्वेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा बिना लैंग्वेज के फॉर्म मत फिलअप कीजिएगा यहाँ पे इन्होंने दिया है कहाँ कहाँ प्रिलिम्स एग्ज़ाम होगा बट बिहार नहीं है यार मतलब मैं सच में मतलब वो यार मुझे लगा बिहार होगा इसमें खैर अपना स्टेट वाइज चूज़ कर लीजिएगा उसी अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं वहाँ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फ़ फ़ी फी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं एस सी एस टी ओ मतलब के लिए हंड्रेड रुपीज़ है एंड ऑल कैंडिडेट्स जो उनके अदर दैन मतलब जो मतलब मतलब जिसमें जनरल वाले आ गए उनका एट फिफ्टी चार्ज है अच्छा इसका एट फिफ्टी आई थिंक यू वाई सी एल में वन थाउजेंड था एंड ओवरऑल जब ऐड किया गया था तो ग्यारह सौ अस्सी रुपया फॉर्म चार्ज हुआ था उसका इसमें एट फिफ्टी इन्होंने कहा है और ये सब बाकी फॉर्म के डिटेल्स हैं तो आप खुद जाके एक बार इसको देख सकते हैं गो थ्रू आप हो सकते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें मेंशन कर दिया गाइज़ अगर आप मतलब आपके स्टेट में अगर वैकेंसी है और लैंग्वेज अगर आपकी मैच करी तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए इंश्योरेंस सबको पता है कि इंश्योरेंस की जो जॉब होती है वो बैंक से मच मच बेटर देन होती है है ना आराम ज़्यादा पैसा वक्त ज़्यादा होता है तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए गाइज़ Thank you so much.